लास्ट क्लास में हमने सर बहुत ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है, बहुत ज्यादा ही ब्लर दिख रहा है। वो ही देख रहे हैं, हमारा अभी क्या कैमरा गया, फोन गिर गया तो हम देख रहे हैं कि क्या हमारी स्क्रीन चली गई थी। हमें ऐसा लग रहा है हमारे फोन की स्क्रीन भी अब साफ दिख रहा है। नहीं सर, नो सर, अभी अभी क्या हमारा फोन गिर गया, कल भी दो बार गिरा, आज भी एक बार गिरा। अब हमें लग रहा है इसका फोन गिर, फोन का अब क्या किया जाए, एक मिनट हमें सोचने। कैमरा फूट गया होगा सर। हाँ ऐसे ही लग रहा है, फ्रंट कैमरे से देख लेते हैं बड़ा के। एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही ऊपर से, चलो फ्रंट से पढ़ा, फ्रंट से पढ़ा देते हैं, बैक कैमरा तो गया। ठीक है, ठीक है भैया, आप तो साफ दिख रहा है। यस सर, ओके। तो हमने लास्ट क्लास में नर्व्स इक्वेशन तक आ गए, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन सेल हमारे सिलेबस में रहा नहीं। कंसंट्रेशन सेल हमारे सिलेबस में अब सिर्फ गायब हो, फिर भी सुन लो कंसंट्रेशन सेल होता है क्या। जब हम एनोड और कैथोड दोनों सेम मेटल्स के बने, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो, ठीक है ना, ये नाइस है। नाइस का मतलब है नॉट इन सीबीएसई एग्जाम बट नाइस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो हमने क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में ही डिप कर दिया और सर आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही, म्यूट करो। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जब दोनों ही सेम है तो आप कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड सेम मेटल के होंगे, सेम इलेक्ट्रोलाइट होंगे, सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। अब सपोज कर लो ये 1 एम और ये 2 एम, तो यहाँ पर नोट करने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ठीक है ना, जो भी कैथोड होगा उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये पहले इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना। यहाँ तो हमें कैथोड दिख रहा है बना हुआ है इधर, लेकिन अगर वो हमको कहता कि कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड है जिनमें एक का कॉन्सेंट्रेशन 1 एम है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन 2 एम है, तो इसमें से कैथोड कौन सा काम करेगा, तो कौन सा कैथोड का काम करेगा, इसमें से कैथोड का काम 2 एम, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, कि ये नर्व्स इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है नर्व्स इक्वेशन लॉग, और ऊपर वही प्रोडक्ट आते हैं, नीचे वही रेफरेंट आते हैं। इसमें ई नॉट सेल 0 होता है, E नॉट सेल 0 क्यों होता है, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों ही सेम है, ठीक है ना, और ये तो 1 एम कंडीशन में ही निकाला जाता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में E नॉट हमेशा 0, E नॉट 0 होगा, तो जब ये E नॉट 0 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को रिवर्ट कर, इस वाले पार्ट को रिवर्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा अल्टीमेट ये बन, लॉग ऊपर रिएक्टेंट आ जाएगा और नीचे प्रोडक्ट, और खोपड़ी पर मोल, ठीक है ना।
है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल के इक्वेशन है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में दो ले जाना मेरा कंप्यूटर फिर से दूसरी बार के। तो वीडियो पॉज हो गया आपका। तो वीडियो पॉज हो गया आपका। अरे वीडियो ब्लर क्या भैया, फोन ही तोड़ लिया। एक मिनट, फोन गया, कैमरा गया, सब गया। सर आज मत पढ़ाओ, भगवान नहीं चाहते पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, हमें लग रहा है ये सेशन ही स्क्रैप होने वाला, हमें लग रहा है ये सीजन ही इस बार स्क्रैप होने वाला है, कुछ नहीं हो। अरे यार खुलता है तो खुल जाएगा। सर आज क्लास होगी क्या? नहीं नहीं होगी होगी भैया, क्यों नहीं होगी। देखा, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम क्लास कभी नहीं छोड़ते। स्पॉटलाइट वीडियो हो गया, लगता है टच तो नहीं खुल गया एक बार। अब तो कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट जीरो होगा, कैथोड हायर कंसंट्रेशन का होगा। ये दो बातें हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे याद रखनी पड़ेंगी। इस पे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और कई बुकों में दिया हुआ है कि दो एनएचई हैं, एक की पीएच 2 है और दूसरे एनएचई की पीएच 8 है। बताओ इसमें से कौन कैथोड का काम करे? फर्स्ट वाला। इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, क्योंकि ये लॉग के टर्म्स में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगा और ये -8 आएगा। तो -8 स्मॉलर होता है, इसलिए हम इसको कैथोड और इसको एनोड की तरह यूज करें। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की छोटी सी कहानी है। अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में नहीं रहा,
काफी सारी इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने सिलेबस से उड़ा दी है। अगर पहले ही उड़ा देते तो अब तक अपना तो सिलेबस ही पूरा होता, ठीक है ना। फैराडे लॉ हटा दिए हैं, गैल्वेनिक सेल हटा दिया है, कोरोजन हटा दिया है, और सेल भी हटा दिए, बैटरी भी हटा दी। ये चार टॉपिक तो मोटे मोटे हटा दिए। फिर से चैप्टर में मेटलर्जी पूरा चैप्टर ही गया। अब उन्होंने क्या है कि गैल्वेनिक सेल लिख रखा है कि गैल्वेनिक सेल भी हटा दिया है। अब गैल्वेनिक सेल हटा दिया है तो सारी नर्स इक्वेशन ही गैल्वेनिक सेल से आती है। तो अब नर्स इक्वेशन हटा दिए या नहीं हटा दिए, अब ये हमारी समझ से बाहर। तो हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट रिलेशन लिखेंगे, ठीक है ना। और वो है रिलेशन बिटवीन जी नॉट एंड ए नॉट और केस, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। आजकल इन तीनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव और ट्वेल्थ दोनों में आ रहा है। जी नॉट, जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है, और ये हमारे इक्वल होता है ई नॉट से। अगर ये नॉट है तो ये भी नॉट होगा, और अगर ये नॉट नहीं है तो ये भी नॉट नहीं होगा। ये जेई में आ चुका है, ठीक है ना। ये नॉट है तो ये भी नॉट होगा। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एम फैराडे नंबर है, और ई नॉट है। जी नॉट और केसी में रिलेशन हमने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था। अब हम ई नॉट और केसी में और पढ़ेंगे। ई नॉट और केसी में रिलेशन के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन वापस से लिखनी पड़ेगी, और नर्स्ट इक्वेशन ये होती है लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्ट। अब देखो, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है वो जीरो हो जाता है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह हम केसी लिख देंगे। इस पूरे पार्ट की जगह पर क्या लिख देंगे, केसी लिख देंगे। तो अब ये इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, और इधर लाएंगे तो फाइनली ये इक्वेशन हमको ये मिल जाए 0.0591 एंड लॉग केस। तो अब अल्टीमेट हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए हैं, दो फॉर्मूले ये हैं और एक फॉर्मूला ये है। अगर कोई बच्चा इन दो फॉर्मूले को याद कर ले और एक इसको, तो एक न्यूमेरिकल डेफिनेट उसको कॉम्पिटिटिव और ट्वेल्थ के एग्जाम में मिल सकते, ठीक है ना। तो हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने जिंक और ZN प्लस टू कॉपर कॉपर प्लस टू सेल बनाया, और इसका E नॉट सेल 1.10 वोल्ट आया। तो वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट जी नॉट एंड केसी। इसका जी नॉट और केसी कैलकुलेट करो। इसका जी नॉट और केसी कैलकुलेट। तो आप देखना, जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आधा नंबर हमको मिल गया, इसमें एन की वैल्यू टू होगी। ऐसे देखते हैं शॉर्ट में पेपर में, दो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऑड नंबर है दोनों में से तो उसको इक्वलाइज करें, ठीक है। ये एन दो हो जाएगा, एफ की वैल्यू 96500 हो जाएगी, और 1.10 वोल्ट हो जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आंसर आए। किलो जूल माइनस में। अब देखो बच्चे कैसे ढूंढते हैं, ध्यान अब ध्यान से देखना, ये जूल है या किलो जूल। ये जूल है, ये जूल में जूल। है, तो
अभी किसी ने किलो जूल में बोला था, ओके ओके। अब इसका केसी और निकाल दो, 4 × 10^(3)/36। तो मैं केसी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ई नॉट सेल हमको 1.10 दिया हुआ है, 0.05912 लॉग केसी। बोले दो हमने 2 से इसको इंटू कर दिया और 0.295 को नीचे ले आए, तो हमारा हो गया लॉग केस से जो कर 2.20 और डिवाइडेड बाय 0.91। यहाँ तक आप हमको बता दो किसकी वैल्यू क्या है। एंटीलॉग 36.6 ये जो वैल्यू होती है ये पावर में चली जाएगी, पावर में जाएगी। जब ये पावर में जाएगी तो हो जाएगा 10^36 और 0.4 की वैल्यू या 40 की वैल्यू टेबल से देखो, वैल्यू टेबल से देखो समथिंग होगी। इसकी जो एंटी लॉग की वैल्यू होगी 4 की 2.5 के आसपास होगी, ठीक है ना। मतलब एक ऐसे आएगी मान लिया, और यहाँ डेसिमल लगाते हैं, एक छोड़कर हम डेसिमल लगा देते। आप दूसरा देखना इम्पोर्टेंट बात और सीख लो, अगर ये एंटीलॉग ऐसा होता माइनस में होता तो माइनस का एंटीलॉग हम ले नहीं सकते, तो माइनस का एंटीलॉग हम ले नहीं सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस माइनस तो ये तो हो जाएगा 37 और ऊपर बार लगा देंगे और इसको 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे 0.6। तो इसका आंसर अब बिल्कुल वही रूल, -37 पावर और 4123 कुछ समथिंग एंटीलॉग आ जाएगा।